नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही से। बुधवार को बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने शराबबंदी कानून को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने सरकार पर कानून के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि कानून के जरिए सिर्फ गरीबों को फंसाया जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग की। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के कई मंत्री और विधायकों के अलावा कई अधिकारियों को बिना शराब पिए नींद नहीं आती। इस पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शराबबंदी कानून सदन से सर्वसम्मति से पास कराया गया था, ऐसे में इस कानून को रद्द करने की मांग उचित नहीं। वहीं उन्होंने कानून के दुरुपयोग पर कहा कि कोई भी कानून सभी के लिए बराबर होता है। कार्य मंत्री जो शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए जो आम सदस्यों ने, सभी सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, हम सरकार की तरफ से उसका स्वागत करते हैं और हम इसको इस रूप में लेते हैं कि पूरा सदन और सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी आरजेडी के विधायकों ने कई मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायकों ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सूबे में शराबबंदी पूरी तरह फेल है और इस पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही। बिहार विधानमंडल के दोनों सदन में बुधवार को शराबबंदी कानून को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया और सदन का बॉयकॉट किया। सदन के बाहर निकलकर विपक्षी नेताओं ने सरकार से इस संबंध में जल्द कार्रवाई की बात कही। भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने कहा कि नीतीश सरकार शराब माफियाओं को बचाने और गरीबों को फंसाने का काम कर रही है, ऐसे में इस कानून की समीक्षा करने की जरूरत नहीं। शराबबंदी में जिस तरह से उसका ढकोसला साबित हो रहा है और जहरीली शराब पीने से गरीबों की मौत हो रही है और ये आपराधिक माफिया पुलिस और प्रशासन और राजनेता का गठजोड़ है, इस पर हमारा बयान था। साथ साथ हमने कार्य स्थगन दिया कि खगड़िया में जो 6 मजदूरों की बुधवार को बिहार विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने सूबे में शराबबंदी को फेल बताते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं इस पर पलटवार करते हुए मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि सूबे में शराबबंदी पूरी तरह से सफल है। शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल है। कानून जितनी बनी है कुछ न कुछ अपवाद उसके होते हैं। संपूर्ण रूप से कोई कानून, एक भी कानून दुनिया के किसी कोना में अगर लागू हो गया तो ये एक आदर्श बात हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी कानून बना है, ये जो शराबबंदी का कानून है, पूर्ण रूप से बिहार में लागू।
भाकपा माले के विधायकों ने सात निश्चय योजना को विफल बताते हुए सरकार को निशाने पर लिया। पालीगंज से भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि सात निश्चय योजना पूरी तरह से विफल है। इतना ही नहीं, विधायक ने खगड़िया में स्कूल की दीवार गिरने से मजदूरों की हुई मौत का भी जिम्मेदार सरकार को ही ठहराया। देखिए, बिहार के अंदर नीतीश सरकार जो सात निश्चय योजना चला रही है वो पूरी तरीके से विफल है और वो सात भ्रष्टाचार में तब्दील हो चुकी है। अलग अलग जगह पे भ्रष्टाचार की इस तरह की खबरें आ रही हैं। खगड़िया में जो भवन का बिल्डिंग जो गिरा जिसके चलते वहाँ पे मजदूरों की मौत हो गई, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि उसमें जो लोग शामिल थे उनके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। उसी तरीके से बिहार में हर योजना सरकार की जो भी है, वो चाहे नल जल योजना है, हम तो कह रहे हैं सरकार से। मल्लाहों के एससी में शामिल नहीं करने के मुद्दे पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की केंद्र सरकार के सामने कुछ नहीं चलती। उन्होंने कहा कि मल्लाहों को न्याय तभी मिल सकता है जब लालू यादव राजनीति में सक्रिय हों और तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता संभालें। वहीं मंत्री मुकेश सहनी को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे मल्लाहों